दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चौथ टेक्निकल के साथ। मैं हूँ शिव और आज है मंगलवार और मंगलवार को होता है कुछ स्पेशल। प्रभु श्री राम की सबसे ऊंची शान है, शान है, शान है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक बार शनि देव का प्रकोप काफी बढ़ गया था। शनि के कोप से आम जनता भयंकर कष्टों का सामना कर रही थी। ऐसे में लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि शनि देव को कोपों को शांत करें। बजरंग बली अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उस समय श्रद्धालुओं की प्रार्थना सुनकर वे शनि पर क्रोधित हो गए। जब ये बात शनि देव को मालूम पड़ी कि हनुमान जी उन पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं और उनसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो शनि देव बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। शनिदेव ने हनुमान जी से बचने के लिए स्त्री रूप धारण कर लिया, क्योंकि शनिदेव ये बात जानते थे कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और स्त्रियों में हाथ नहीं उठाते। हनुमान जी शनिदेव के सामने पहुंच गए, पर शनिदेव स्त्री रूप में थे। तब शनिदेव ने हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और भक्तों में से शनि प्रकोप हटा लिया। तभी से हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव की तिरछी नजर का प्रकोप नहीं होता है। शनि दोषों से मुक्ति हेतु कष्ट भंजन हनुमान जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। गुजरात में भावनगर के सारंगपुर में हनुमान जी का एक अति प्राचीन मंदिर स्थित है, जो कि कष्ट भंजन हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में हनुमान जी के पैरों में स्त्री रूप में शनिदेव बैठे हैं। अगर आपको ये कहानी यूजफुल लगी हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट में हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। जय श्री कृष्ण। भारत का बच्चा बच्चा मेरे राम पे कुर्बान है।